सुपौल जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर सरकारी स्तर पर जितनी भी कवायदें की गई, शुरू से ही धरातल पर उसकी वास्तविकता कुछ और ही देखने को मिली। पहले तो सरकारी घोषणा के बावजूद क्रय केंद्र खोलने में लेट लतीफी और अब गनी बैग उपलब्ध नहीं होने से किसानों के खाते में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान नहीं हो पाने से हाहाकार मचा हुआ है। यह है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार किसानों का धान पैक्स के माध्यम से लिया गया। धान प्राप्त होने के बाद पैक्स उस धान को संबंधित मिलर के पास चावल में बदलने को भेज देता है। फिर भी चावल तैयार होने पर पैक्स के द्वारा मिलर को गनी बैग उपलब्ध कराया जाता है और मिलर उस गनी बैग में तैयार चावल को सरकारी गोदाम तक पहुंचाता है। इसके बाद किसानों के खाते में धान की रकम भेजी जाती है। इस प्रक्रिया में किसानों को भुगतान के लिए पहले से लेट लतीफी झेलना पड़ता है। वहीं अब जिले में गनी बैग उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान पैक्स और मिलर के बीच हाहाकार मचा हुआ है। कर जिला मुख्यालय स्थित राज्य खाद्य निगम के सामने जिले के दर्जनों पैक्स अध्यक्षों ने आक्रोश व्यक्त किया और विभाग पर इस मामले पर उदासीनता बरतने का आरोप भी लगाया। कहा कि धान अधिप्राप्ति की निर्धारित समय सीमा 31 मार्च है, जब तक गनी बैग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा धान अधिप्राप्ति का समय सीमा समाप्त हो जाएगी। ये जिला प्रशासन का दोष देता हूँ जो उनके द्वारा हर हमेशा कोई न कोई तरह का कभी मतलब गोदाम भरा हुआ है, उसके कारण से सीएमआर नहीं गिरा। मैं आपके को बताना चाहता हूं, हम लोगों को कैश क्रेडिट जो दिया जाता है किसी अध्यक्ष को एक लॉट दो लॉट, तो दो लॉट का भुगतान करने के बाद उसका सीएमआर गिरता है, फिर राशि हो जाता है। सीएमआर गिराने में इतना परेशानी होती है जो कम से कम 5 से 7 रोज तो गोदाम पर गाड़ी लगा हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद सीएमआर गिरता है। बिल जो लगाते हैं तो 15 रोज, उससे कम नहीं। भुगतान अगर बिल का यहाँ से भुगतान गया तो 4 रोज, यह सिस्टम है। यानी किसी तरह सरकार के द्वारा जो इतना अच्छा काम हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो बढ़िया काम हो रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो सरकार का बदनामी हो, और इसलिए ये लोग जानबूझ के अब कहिए जो ये गनी बैग का समस्या 26 तारीख से गनी बैग का समस्या लगभग आपको 26 फरवरी से चला आ रहा है, और हम लोग पूरे जिला का अध्यक्ष जिला प्रबंधक से हर हमेशा गनी बैग के लिए डिमांड किए, लेकिन आज तक शून्य है। अब हम लोगों के पास विकल्प यही बचा हुआ है जो किसानों से लाज जूता खाना, और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये लोग कोई कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का भुगतान जो किए हैं उसका भी इंटरेस्ट बढ़ता है, गनी बैग अप्राप्त है अभी हम करेंट में। इस मामले में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक ने बतलाया कि गनी बैग की कमी के लिए मैंने कई बार विभाग को लिखित सूचना दिया, लेकिन मांग के अनुसार गनी बैग उपलब्ध नहीं हो पाया है। जल्द ही उपलब्ध होने की बात कही है। चलिए आप अभी हो जाएगा ना सर, तब मान के चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। करना बैंक मैनेजर पावर है, वो कहते समस्या सर अभी बताए हमको, वो समस्या आपके पास हम रख रहे हैं। इमाम है, गनी बैग की काफी समस्या आ रही, विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? विभाग को हम लोग यहाँ से लिखे हैं मुख्यालय से बताया गया है कि गनी बैग का एक लॉट तैयार हो गया है और फिर वहाँ कई लॉट आ रहे हैं कलकत्ता से, रैक पॉइंट पर एक रैक सासाराम के लिए पहले आ रहा है, फिर इसके लिए आ रहा है सुपौल के लिए। वर्तमान में अभी सहरसा से 50 बेल्ट का ऑर्डर किया गया है जो कल हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पैक्स वाले का कहना है कि 50 बेल्ट तो एक दिन का यहाँ पर खपत ना काफी है, कमी है। मुख्यालय स्तर से बात की गई है, आज भीसी में बताया गया है कि गनी बेल्ट जल्दी ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।